लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आज के इस दौर में हर आदमी का एक सपना है कि उसके पास भी एक छोटा सा घर और घर के बाहर एक अपनी कार खड़ी हो। लेकिन महंगाई के इस दौर में लोग घर तो बड़ी मुश्किल से खरीद ले रहे हैं, लेकिन कार लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कार ले तो ले, लेकिन हर दिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत उन्हें परेशान और डरा देती है। अब आपको अगर कार लेना है तो तैयार हो जाएं, क्योंकि टाटा मोटर्स जल्द ही भारत में अपनी मेगा पिक्सल कार लॉन्च करने जा रही है। इस कार को इस तरह से बनाया गया है कि यह कार 1 लीटर में 100 किलोमीटर का माइलेज देगी। साथ ही इसमें फीचर काफी एडवांस होंगे। टाटा ने इस कार को 82वें जेनेवा मोटर शो में पेश किया था। ये साल 2019 तक भारतीय बाजार में लॉन्च की जा सकती है। टाटा अपनी इस कार को मेगा पिक्सल के नाम से बाजार में लॉन्च करेगा। इस कार को आम आदमी भी खरीद सके, इसलिए इसकी कीमत को भी उसी के अनुसार रखा गया है। इस कार की कीमत 1 से 2 लाख रुपए के बीच छोने की संभावना है। यह कार 4 सीटर होगी और इस कार मेगा पिक्सल में 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किमी उत्सर्जन होगा। इस कार में 1 लिथियम आयन फास्फेट बैटरी और चलती कार में रिचार्ज के लिए पेट्रोल इंजन जनरेटर लगा है। कार 100 किमी प्रति लीटर का माइलेज देगी। अगर आप लंबे समय से कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए यह एक अच्छा मौका है। गौरतलब हो कि इससे पहले टाटा ने मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए लखड़किया कार को पेश किया था और जनता ने उन्हें काफी पसंद किया था। अब टाटा की यह कार टाटा मेगा पिक्सल भारतीय बाजार में जनता को कितना अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, उस पर सबकी नजर होगी।